नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल AK कंप्यूटर्स पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एक प्रोग्रामर है RT809F। ये एक BIOS प्रोग्रामर है। इसकी सहायता से हम लैपटॉप और डेस्कटॉप के बोर्ड का BIOS प्रोग्राम करते हैं। हमारे पास एक मदरबोर्ड है, यासूस का मदरबोर्ड है P5G41T-MLX। इस मदरबोर्ड पे मैंने सब कुछ वोल्टेज चेक कर लिया है, सब कुछ ओके है, स्पॉट पे डिस्प्ले नहीं है। तो मैं इस बोर्ड का BIOS प्रोग्राम करूँगा। इस बोर्ड पर BIOS यहाँ पे लगा हुआ था, जो मैंने खोल लिया है। ये खुला हुआ BIOS है जो आप देख पा रहे हैं, इसको प्रोग्राम करेंगे। देखिए, मैंने इस BIOS को इस प्रोग्राम से कनेक्ट कर दिया है और ये हमारा प्रोग्रामर कंप्यूटर से कनेक्ट हो गया है। कंप्यूटर पे कनेक्ट करके इसको हम इसका प्रोग्राम खोल लेते हैं। हमारे जो डेस्कटॉप पे शॉर्टकट है प्रोग्राम का RT809F, इसको ओपन कर लेंगे। मदरबोर्ड से जो चिप खोला है उसको प्रोग्रामर पे कनेक्ट कर दिया है। सबसे पहले हम चिप को डिटेक्ट कराएंगे, तो स्मार्ट आइडेंटिटी स्मार्ट आईडी पे क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारा चिप डिटेक्ट हो जाता है। 8 मेगाबिट्स 1 MB का ये चिप है। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, जो हमारा BIOS होता है प्रोग्राम करने से पहले, उस पर जो पुराना प्रोग्राम होता है हम उसको सेव रखते हैं। इसको सेव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नया BIOS चढ़ाने के बाद में ये हो सकता है आपका बोर्ड डेड हो जाए, या पावर ऑन हो रहा है, डिस्प्ले नहीं आ रहा है, या साउंड नहीं आ रहा है, कई तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए आप बैकअप को हमेशा सेव रखें। बैकअप का सेव होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो हम पुराना BIOS चढ़ा सकते हैं। तो आप हमेशा ये चीज़ ध्यान रखें कि हमें ओल्ड BIOS को सेव करना है, उसी के बाद में हमें नया BIOS चढ़ाना है। तो इसके लिए हम पहले चिप को रीड कराते हैं। रीड पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा चिप रीड होता है। इसके बाद में एक विंडो खुल के आता है, वो हमारे से लोकेशन पूछता है इसको कहाँ सेव करना है। तो हम डेस्कटॉप पे लोकेशन दे देते हैं अभी, तो आप अपनी आवश्यकता अनुसार कहीं भी इसको सेव कर सकते हैं। ये मैंने इस मदरबोर्ड के मॉडल नंबर का फोल्डर बना रखा है, इसके अंदर इसका नाम दे देते हैं हम। देखिए, मैंने इसको नाम दे दिया है आसूस P5G41T-MLX_old, मतलब हमारा पुराना BIOS है, ओल्ड लिखने का मतलब। तो सेव कर देंगे तो यहाँ लिखा गया है, देखिए फाइल हैज बिन सेव, तो हमारा फाइल सेव हो गया है। इसको देखने के लिए डेस्कटॉप पे फोल्डर को खोल लेंगे तो हमारा फाइल आ गया है 1024 KB, मतलब 1 MB का। और बाइट्स में देखें तो आप, ये है 1048576 बाइट्स। तो ये हमारा ओल्ड BIOS है। अब हम नया BIOS इंटरनेट की सहायता से लेंगे। तो मैं ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ। ये हमारा ब्राउज़र ओपन हो गया है। पे गूगल खोल लेते हैं। गूगल पे आप मॉडल नंबर दे दीजिए, आसूस P5G41T-MLX, और एंटर कर दीजिए। जैसे हम एंटर करेंगे तो ये फर्स्ट जो है asus.com, इसको खोल लेंगे।
यहाँ पर सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, ड्राइवर्स एंड यूटिलिटी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे प्लीज सेलेक्ट ओएस, ओएस में आप कोई सा भी ओएस सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैं इसको विंडोज 7/32 बिट को सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे इसके ड्राइवर्स बताता है। सेकंड नंबर पे हमें बायोस मिल रहा है, बायोस का डेट देखिए 27/6/2012, जबकि इसके पहले का जो बायोस था वो 2010 का था। तो इसमें अपडेट हैं तो इसको डाउनलोड कर लेंगे। ये हमारा डाउनलोड हो गया है, तो यहाँ से कट कर लेंगे। और जो हमारा डेस्कटॉप पे फोल्डर बना हुआ था, यहाँ पे एक फोल्डर बना लेंगे, इसका नाम दे दीजिए बाय इंटरनेट। तो इसके अंदर पेस्ट कर देंगे, तो एक्सट्रैक्ट करा लेंगे। यहाँ पर जी नाम का फोल्डर बन गया है। इसके अंदर देखिए ये हमारा बायोस है डॉट रोम, ये भी राइट हो जाता है, या आप इसको रिनेम भी कर सकते हैं। यहाँ पे रोम की जगह आप बिन लिख लीजिए रिनेम करके, रोम भी चढ़ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। ये मैंने बिन लिख लिया, इसको कसाई 1024 KB है। प्रॉपर्टी देखिए 1 MB 1048, मतलब जो हमारा पुराना बायोस था बिल्कुल इसी साइज का है। तो मतलब हमें इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिला है। अगर इसकी साइज में डिफरेंस होता है तो इसमें कुछ जंक्स फाइल्स हो सकती है, तो हमें उनको हटाना पड़ता है। तो उनको हटाने के लिए हम हेक्स एडिटर का इस्तेमाल करते हैं। देखिए मैं इसको बता देता हूँ आपको हेक्स एडिटर पे। ये देखिए मैंने हेक्स एडिटर पे इसको ओपन कर लिया है, ये हमारा बायोस है। तो कुछ अगर एक्स्ट्रा आता है तो हमें उसको हटाना पड़ता है। तो वो किस प्रकार से हम एक्स्ट्रा मैटर को हटाएंगे तो मैं आपको आगे के वीडियो में बताऊंगा वो भी। अभी हमारा ये बिल्कुल एक्यूरेट साइज का फाइल आया है, तो हम इसको राइट कर लेते हैं। राइट करने के लिए हम इस प्रोग्राम का यूज़ करते हैं, RT809F। तो खोल लेंगे, मैं फिर से एक बार स्मार्ट आइडेंटिटी पे क्लिक करता हूँ, हमारा चिप डिटेक्ट है। अब हम यहाँ पर ओपन पर क्लिक करेंगे। ओपन पर क्लिक करते पहले फाइल की लोकेशन मांगता है, आपको कहाँ राइट करना है। तो हमारे डेस्कटॉप पे आ जाइए, C5G फोल्डर बाय इंटरनेट वाले फोल्डर को खोल लिया, और ये फाइल का मैं लोकेशन दे दिया उसको। ये फाइल लोड हो चुका है, लोड होने के बाद में मैं राइट पे क्लिक करना है। जैसे हम राइट पे क्लिक करते हैं तो इसको इरेज करता है, फिर चिप ब्लैंक होता है, फिर नया प्रोग्राम चलता है, वेरीफाइंग का भी प्रोसेस होता है, और लास्ट में हमें सक्सेसफुल हो जाता है। कभी कभी यहाँ पर चिप खराब हो या कितना कोई प्रॉब्लम हो तो राइटिंग में प्रॉब्लम आती है, या फिर तो चिप की कनेक्टिविटी सही नहीं हो रही है, या फिर आपका चिप में प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में बायोस को बदलना ही पड़ता है। तो हमारा ये सक्सेसफुली राइट हो गया है। स्मार्ट आइडेंटिटी पे क्लिक करके चिप का साइज देख लीजिए, बिल्कुल ठीक है। तो हमारा ये सक्सेसफुली राइट हो गया है। अब इस प्रोग्रामर से हम बायोस को खोल के मदरबोर्ड पे लगाते हैं और मदरबोर्ड को चेक करते हैं। देखिए मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है, मैं इसको पावर ऑन करता हूँ। ये मैंने इसको पावर ऑन किए, ये हमारा डिस्प्ले आ चुका है। एक बार मैं इसको रीस्टार्ट करता हूँ। ये मैंने रीस्टार्ट किया इसको, देखिए इस पे डिस्प्ले आ गया है। तो इस प्रकार अगर किसी मदरबोर्ड पे सारे वोल्टेज बन रहे हैं, डिस्प्ले नहीं आ रहा है, तो आप बायोस को प्रोग्राम कीजिए। मैंने इसका बायोस प्रोग्राम किया और मदरबोर्ड ओके कंडीशन में आ गया है। दोस्तों आप मेरा वीडियो देखते हैं, वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपना कमेंट अवश्य करें। आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में लिखें, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों आप मेरे वीडियो से कुछ भी सीख पा रहे हैं या मैं आपको कुछ भी दे पा रहा हूँ,
तो आप मेरे को कमेंट में अवश्य बताएं, क्योंकि कमेंट पर ही मुझे पता लग पाएगा कि मेरे वीडियो आप पसंद कर रहे हैं या नहीं, या आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो मैं आपके कमेंट पर बनाकर आपको वीडियो दे दूंगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।